हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद रानव कास। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि बीएसटी के अंदर से कोई भी नोड को डिलीट कैसे किया जा सकता है। तो डिलीट करते हुए तीन केसेस को हमें सामने रखना है। तीन तरह की नोड्स आएंगी जो डिलीट होनी होगी। उसमें सबसे पहली वाली जो नोड होगी वो लीफ नोड हुआ करेगी। लीफ नोड का मतलब है ऐसी नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। दूसरी वो नोड डिलीट होने के लिए आ सकती है जिसका वन चाइल्ड हो, वो लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता है, वो राइट चाइल्ड भी हो सकता है। उसके बाद तीसरा केस ये होगा कि जिस ऐसी नोड डिलीट होने के लिए आ गई जिसके दोनों चाइल्ड्स हैं, बोथ चाइल्ड्स। तो देखें इसमें कौन कौन सी पे, ये फर्स्ट वाला केस है। अगर ये 20 की बात करें तो 20 लीफ नोड है। अगर 30 की बात करें 30 भी लीफ नोड है। 55 की बात करें 55 लीफ नोड है। 75, 80 ये सारी लीफ नोड्स हैं। इनको डिलीट करने का तरीका ये है कि इनके पीछे वाली जो नोड है ना उसका जो ये पॉइंटर है जो इसको पॉइंट कर रहा है, जिस तरह 55 को 60 का लेफ्ट पॉइंटर है जो 55 को पॉइंट कर रहा है, तो हमने 55 को डिलीट करना है और 60 का लेफ्ट इज इक्वल टू नल कर देना। इसी तरह यहाँ पे अगर 75 डिलीट हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 80 का लेफ्ट इज इक्वल टू नल करना पड़ेगा और डिलीट 75 करना पड़ेगा। और अगर हम वन चाइल्ड की बात, पहले जो है ना लीफ नोड वाला इस केस को हम देख लेते हैं। अब देखें इसमें अगर तो आप रूट से स्टार्ट करें और रूट ही नल हो तो फिर तो वैसे ही कुछ भी डिलीट नहीं होना चाहिए क्योंकि डाटा है ही नहीं बीएसटी ट्री के अंदर। और अगर एक ही एलिमेंट हो जो कि ये ही है, रूट पे ही एलिमेंट है, समझे सपोज ये वाले जो थे है ना सारे, ये सारे एलिमेंट्स नहीं, इंसर्ट कॉल नहीं हुआ, तो यार सिर्फ एक ही है हमारे पास नोड और ये वाली जिसका लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो होना क्या चाहिए। अगर रूट का डाटा बराबर आ गया है हमारे डाटा के जो डिलीट करना है और लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो आप डिलीट रूट को कर दोगे और रूट को बराबर कर दोगे किसके, नल के, और ये डाटा क्या हो जाएगा, ये डाटा खत्म हो जाएगा। तो एक ये भी केस है। और अगर हम बात करें कि लीफ नोड तक पहुंचना कैसे है, मतलब जो डिलीट करने लगे हैं, मैंने कहा डिलीट करो 20 को, तो इस तक पहुंचना कैसे, आपने आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, पॉइंटर प्रीवियस का एक बनाना पड़ेगा, टेम्परेरी टेम्प का पॉइंटर आपको बनाना पड़ेगा, और आपको राइट या लेफ्ट मूव करते हुए पता होना चाहिए कि यार एट द एंड जब 20 को डिलीट करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि 30 के लेफ्ट को नल करना है या 30 के राइट को नल करना है। तो वो आपके पास एक बुलियन फ्लैग होना चाहिए जिसके अंदर ट्रू पड़ा हो या फॉल्स पड़ा हो। ट्रू होगा तो इसका मतलब है राइट को नल करना है, फॉल्स पड़ा होगा तो इसका मतलब है लेफ्ट को नल करना है। तो देखिये 20 को अगर डिलीट करना हो तो रूट से यहां से स्टार्ट करें, तो प्रीवियस आपका यहाँ पे होगा नल के ऊपर और टेम्प आपका इस जगह पे होगा। तो टेम्प का डाटा मैच करें, 50-20 के बराबर है नहीं बराबर, तो प्रीवियस इधर आ जाएगा आपका, ये प्रीवियस वाला पॉइंटर इधर आ जाएगा टी की जगह पे और टी इधर आ जाएगा। तो क्या अभी भी 20 के बराबर है, नहीं बराबर, तो प्रीवियस इधर आएगा इसके ऊपर, मतलब प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प करेंगे और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का लेफ्ट करेंगे क्योंकि डाटा जो 20 है वो छोटा है इससे, तो हमने टेम्प आ गया इधर। यार अब देखें जब आप लेफ्ट साइड पे आ रहे थे ना या राइट साइड पे जाएंगे तो फ्लैग के अंदर आपने वैल्यू रखवाते जाना है। अब लेफ्ट पे आ रहे थे तो फ्लैग में क्या पड़ा होगा, बुलियन टाइप का, इसमें पड़ा होगा फॉल्स। अगर राइट पे जाते तो इसमें पड़ा होता ट्रू। तो देखो हम एक कंडीशन लगा लेंगे अब कि इफ फ्लैग अगर है ना हमारा फॉल्स तो हमने डिलीट टेम्प करना है और प्रीवियस का लेफ्ट इज इक्वल टू नल करना है। और अगर आपका फ्लैग ट्रू है तो आपने डिलीट टेम्प करना है और इस प्रीवियस का राइट जो है ना वो आपने क्या कर देना है, वो आपने नल कर देना है। तो चलिए इसको हम इसका कोड करके देखते हैं। तो कोड करने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पर। तो सपोज मैंने एक मेथड यहाँ पर बनाया है void delete data और इसमें मैंने कहा इंटीजर डाटा, और स्टार्ट कहाँ से करना है, नोड स्टैटिक रूट,
यहाँ स्टार्ट करना, मीन्स जब मैं मेन से ये फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं किस तरह कॉल करूंगा, मैं कहूंगा bst डॉट डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, 20 को डिलीट करना है और bst डॉट गेट रूट से स्टार्ट करना है, इस 20 को सर्च कर, तो जहां भी 20 होगा उसको डिलीट करना है। तो चलिए यहां पे आते हैं यार, अगर तो वैसे ही ये इफ रूट अगर नल है तो आपको यहाँ पे सी आउट कर देना चाहिए कि ट्री इज एम्प्टी, और इसके बाद एल्स वाले केस में आएगा ही, तब जब ये एम्प्टी नहीं है तो इसमें आके आप एक नोड बनाए प्रीवियस। अच्छा एक और चीज भी चेक करनी कि अगर रूट ही है आपके पास, रूट के आगे कोई भी डाटा है नहीं, रूट का डाटा ही बराबर हो जाता, मतलब इफ अगर तो रूट का लेफ्ट गेट लेफ्ट अगर ये बराबर है किसके नल के, और साथ ही एक और कंडीशन इस पे लगाएं कि एंड अगर रूट का गेट राइट ये भी किसके बराबर हो जाए नल के, थर्ड वाली कंडीशन लगाएं एंड और रूट का डाटा भी किसके बराबर हो जाए, रूट का गेट डाटा अगर ये इक्वल हो जाए ये डाटा के, तो तब यार हमें क्या करना चाहिए, तब हमें डिलीट कर देना चाहिए रूट को और ये रूट को बराबर कर देना चाहिए हमें नल के। ये वो केस है जब एक ही स्ट्रीम में डाटा है और वो रूट भी पड़ा हुआ है और वो बराबर हो गया है जिस डाटा को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो इस कैल्स वाले केस का मतलब ये है कि ट्री में काफी सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं कि एक हमें बनाना पड़ेगा प्रीवियस का पॉइंटर, नोड स्टैटिक प्रीवियस, इसको हम इक्वल करेंगे नल के। एक हमें बनाना पड़ेगा टेम्परेरी, तो नोड स्टैटिक टेम्प इज इक्वल टू, इसको स्टार्ट करेंगे हम रूट से, कर लिया स्टार्ट। और एक हमारे पास होगा बूल फ्लैग। अब ये लूप चलना कब तक चाहिए, जब तक टेम्प कहां ना पहुंच जाए, नल पे ना पहुंच जाए। तो यहां पे लूप लगाते हैं, हम कहते हैं टेम्प जब तक नहीं बराबर होता नल के तब तक ये चलते रहना चाहिएगा। यार अब देखो इफ अगर जो टेम्प पे डाटा गेट डाटा पड़ा हुआ है वो अगर ग्रेटर है किससे, ये हमारे वाले डाटा से, मतलब 20 है ना 50 से छोटा है ये, तो यार हमने किस साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना। तो पहला तो काम ये करेंगे प्रीवियस को टेम्प पे लेके आए, दूसरा काम हम ये करेंगे कि टेम्प को किधर ले जाएंगे, टेम्प का गेट लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे और फ्लैग में क्या रखवा देंगे, फॉल्स, कि हम लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। अब एल्स इफ टेम्प का ही डाटा गेट डाटा अगर क्या हो जाता है, लेस हो जाता है डाटा से, तो उस केस में क्या करेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का गेट राइट, और लास्ट में फ्लैग की वैल्यू किसके इक्वल कर देंगे, ट्रू के इक्वल कर। यार ये जो थर्ड वाला एल्स है ना, ये इसका मतलब ये है कि डाटा बराबर हो गया, ना तो डाटा छोटा था ना ही डाटा ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा हो गया इक्वल। अब इक्वल के केस में आपने सबसे पहला वाला केस हैंडल करना है, केस क्या था कि अगर लीफ नोड आपके पास आ गया, तो लीफ नोड का कैसे पता लगेगा, लीफ नोड का आपको पता लगेगा कि अगर टेम्प का लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो इफ टेम्प का गेट लेफ्ट अगर ये इक्वल टू नल है एंड टेम्प का गेट राइट ये भी किसके इक्वल है, अगर नल के, तो इसका मतलब ये है कि ये लीफ नोड है। तो यार अगर लीफ नोड है तब हमें क्या काम करना चाहिए, हमें ये चेक करना चाहिए कि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। देखो फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो आपने डिलीट तो टेम्प को करना ही करना है, साथ प्रीवियस का आपने राइट जो है ना वो इक्वल टू कर देना है नल।
ये else पे कब आएगा, जब flag की वैल्यू फॉल्स होगी। ट्रू है तो राइट साइड को डील करना है, फॉल्स है तो लेफ्ट साइड को। तो डिलीट टेम्प प्रीवियस का लेफ्ट किसके इक्वल कर देना है आपने, नल की इक्वल कर देना। तो अब चेक करते हैं इस लाइन को ना, हम लिखते हैं ट्रेवर्स जहां पे हमने करवाया ना इससे ऊपर। अब 20 डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नंबर डिस्प्ले होने चाहिए। तो चला आगे देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यार यहां पे देखो, जब आपने डिलीट कर दिया टेम्प को तो आपका ये लूप लगा हुआ है, जब तक टेम्प नल नहीं होता। तो आप यहाँ पे टेम्प को डिलीट करने के बाद ना टेम्प को इक्वल कर दें किसके, नल के। टेम्प इक्वल नल, ताकि वो कंडीशन जब दोबारा चेक करे तो उसको पता हो कि टेम्प नल हो गया। वो चलाते हैं तो देखें, आपको 20 यहां पे नजर नहीं आ रहा, 20 डिलीट हो गया। अब लीफ नोड और भी कोई डाटा लीफ नोड पर पड़ा उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, 55 पे टेस्ट कर लेते हैं। तो 55 नहीं आना चाहिए, 20 डिस्प्ले होना चाहिए। तो देखें 55 आपको नजर नहीं आ रहा, यहां पर 20 आपको नजर आ रहा है, 20 नहीं डिलीट हुआ। अब अगर हम 55, ये जो 55 है इसके साथ ही एक काम करते हैं, 20 को भी डिलीट कर देते हैं। तो 20 और 55 ये दोनों हमें नजर नहीं आने चाहिए। तो देखें ना तो 20 है ना ही 55, इसका मतलब है कि ये वो वाला केस हैंडल हो गया है कि जहां पे कितने चाइल्ड होंगे, जहां पे कितने चाइल्ड है, सिर्फ मतलब कोई भी चाइल्ड नहीं है उसका, लीफ नोड वाला ये केस है। यार अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ये वाला केस के, अगर आपके पास कितने चाइल्ड हो, अगर आपके पास एक चाइल्ड हो। अब एक चाइल्ड वाला कौन सा केस बन रहा है, ये केस बन रहा है आपके पास, ये 60 वाला, ये एक चाइल्ड है। मतलब 60 का आगे से कितने चाइल्ड है, एक चाइल्ड है, वो 55 है। यार अगर 60 को डिलीट करना हो तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, 60 को डिलीट करना है तो ऑफकोर्स स्टैंप कहां तक पहुंच जाएगा, 60 पे। तो ये प्रीवियस 70 पे होगा, तो क्या करना चाहिए हमें, 70 का लेफ्ट जो है ना वो ये 60 के लेफ्ट पे लगा देना चाहिए, अगर डाटा 60 के लेफ्ट पे पड़ा है। और अगर ये वाला केस हो जाता कि यार इधर 55 ना पड़ा होता, बल्कि यहां पे जो नंबर पड़ा होता ना वो होता सपोज 65, यहां पे होता 65 राइट साइड पे, तो तब आपने क्या करना था, तब प्रीवियस का लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प का राइट करना था आपने, और डिलीट कर देना था आपने सेंटर से इस टेम्प को। तो करते हैं इसका कोड, ओरिजिनल हमारा ट्री ये वाला है। तो चलिए इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अब देखें जब डाटा मैच हो गया है, तो मैच होने पे अब ये तो थी इफ किसकी, लीफ नोड की। अब यहां पे एल्स इफ लगेगा। अब एल्स इफ का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड, तो पहले यहां पे हम लिख लेते हैं कि टेम्प का गेट लेफ्ट ये है जी, अगर ये नोट इक्वल टू नल हो, और अगर मैं यार ये कह दूं कि एंड टेम्प का गेट राइट, अगर ये भी नोट इक्वल टू नल है, तो यार ये दोनों ट्रू कौन से वाले केस में भला होंगे, ये दोनों ट्रू होंगे ये बोथ चाइल्ड वाले के अंदर ट्रू होंगे। इसका मतलब है कि ये वाला जो एल्स है ये कब चला करेगा, जब सिंगल चाइल्ड वाला मामला हो। तो हम ये वाला जो बोथ चाइल्ड वाला ना इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं कि जो सिंगल चाइल्ड वाला ना मामला उसको। तो मैच हो गया हुआ डाटा, अब हमने ये चेक करना है इफ फ्लैग की वैल्यू, अगर तो ट्रू है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, और इफ ये जो टेम्प है ना इसका जो गेट राइट है, गेट राइट अगर वो नॉट इक्वल टू नल है, गेट राइट नॉट इक्वल टू नल है,
तो यार इस केस में क्या होना चाहिए, ये फ्लैग तो आपको बता रहा है कि प्रीवियस का लेफ्ट या राइट, तो ट्रू है, तो प्रीवियस का ये देखें, प्रीवियस का आपको क्या करना पड़ेगा, सेट राइट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू है ना, फ्लैग ट्रू है, अंदर आ गए, तो प्रीवियस का सेट राइट। अब यार प्रीवियस का सेट राइट क्या करें, मतलब टेम्प का जो राइट है वो नल नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस टेम्प के राइट पे डाटा को पड़ा होगा, तो हम क्या कहेंगे, टेम्प का गेट राइट, ये हमने सेट कर दिया। और ये एक काम करते हैं कि इसको यहां से ना ये वाली चीज को हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए, अच्छा ये वाला मामला होने के बाद आपने डिलीट कर देना किसको, टेम्प को, और टेम्प को बराबर कर देना किसके, नल के। अब यार ये वाला एल्स कब चलेगा, जब ऑफकोर्स गेट राइट नहीं नल तो ये चला है, अगर नल है तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर ये जहां पे आपने लिखा ना गेट राइट, यहाँ पे कर देंगे गेट लेफ्ट, ये वाला सीन हो जाएगा। इसी तरह ये अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होती है हमारे पास, तो ये एल्स वाले केस में आएगा, एल्स वाले में आके दोबारा फिर आपको यही वाला कोड रिपीट करना पड़ेगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अब आप प्रीवियस का सेट राइट नहीं करोगे, अब आप करोगे सेट लेफ्ट, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू क्या है, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स है, तो सेट लेफ्ट। तो ये वो केस है जहां पे सिंगल चाइल्ड वाला मामला होगा। तो अब हम ना इसको कमेंट करते हैं और डिलीट करते हैं हम किसको, 60। तो 60 के अलावा बाकी डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो अच्छा यहाँ पे ना गेट लेफ्ट का क्योंकि ये फंक्शन था, तो यहाँ पे आपने फंक्शन की ब्रैकेट नहीं लगाई, तो आप चलाते हैं। अच्छा देखें आपके पास डिलीट किसको किया आपने, 60 को, तो देखें इसमें आपको 60 कहीं पे नजर आ रहा है, यहाँ पे 60 हमें नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है वन चाइल्ड वाला मामला भी हो गया। अब यार हम आ जाते हैं बोथ चाइल्ड वाले के ऊपर। अब आप देखें इसमें आपको बोथ चाइल्ड वाला कौन सा नजर आ रहा है, ये 70। अब अगर 70 को डिलीट करना है ना, तो इसको डिलीट करने के दो रास्ते हैं, या तो राइट साइड वाला जो पूरा ट्री है ना, इसका मिनिमम निकाल लो और मिनिमम को इधर रिप्लेस कर दो। जब मिनिमम के साथ इसको रिप्लेस करेंगे, तो यार सोचें आप कि इस 70 को डिलीट करना था, और इसका जो राइट सब ट्री है ये वाला, इसका मिनिमम नंबर है 75, तो आपने इसको ओवरराइड कर देना किसके साथ, 75 के साथ, और आपने डिलीट फंक्शन को दोबारा कॉल भेजनी है, किसके लिए भेजनी है, इस नंबर के लिए आपने भेजनी है कॉल, और आपने कहना 75 को डिलीट कर दो, तो ये 75 यहां से डिलीट हो जाए। तो देखें असल में तो 70 डिलीट हुआ है, 75 डिलीट नहीं हुआ, 75 तो यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यार 80 को डिलीट करना है, तो 80 वाला केस कौन सा है, क्या 80 के भी दोनों चाइल्ड नहीं है, तो यार जब 80 को आपने डिलीट करना है, तो 80 की जगह पे आप या तो राइट साइड का आप क्या निकाल लें, राइट साइड का आप मिनिमम निकाल लें, या आप लेफ्ट साइड का मैक्सिमम निकाल लें, रिप्लेस करना आपने, या तो लेफ्ट सब ट्री के मैक्सिमम के साथ कर लें, या राइट सब ट्री के मिनिमम के साथ कर लें। तो चलें इसको राइट सब ट्री के मिनिमम के साथ करते हैं। तो यार राइट सब ट्री का मिनिमम तो क्या है, 89 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 89 के साथ इसको राइट कर देंगे यहाँ पे, और डिलीशन की कॉल भेजेंगे दोबारा फिर, और कहेंगे इस ट्री में से 89 को डिलीट कर दो, तो ये 89 हो जाएगा डिलीट, और आपका मामला हल हो जाएगा। तो चलते हैं इसको कोड को अब करते हैं हम। तो इसका डबल वाले केस का क्या होगा कि हमें इसमें फाइंड मिन और फाइंड मैक्स को यूज करना पड़ेगा। फाइंड मिन और फाइंड मैक्स के फंक्शन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सिखाए हुए हैं, वो आप अगर आपको नहीं आता फाइंड मिन और फाइंड मैक्स का कोड, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, पहले तो फाइंड करेंगे, अच्छा वो टेम्प का हमें तो फाइंड हो गया, हम यहाँ तक आ चुके हैं, 70 तक आ चुके हैं,
70 को डिलीट करना है और 70 तक आ चुके हैं तभी तो ये वाला कोड चल रहा है ना कि टेम्प का राइट और लेफ्ट देखें दोनों ही नल नहीं है। तो अब होना क्या चाहिए कि यहाँ पे ना आप नोड बनाएं स्टैरिक, इसका नाम आप रख लें मिनिमम, आपको मिनिमम चाहिए ना, तो आप यहाँ पे ना फाइंड मिन कॉल करें, और फाइंड मिन किसके लिए आप कॉल करें, आप कॉल करें फाइंड मिन कहां से, इस टेम्प के राइट वाला जो सब ट्री है ना गेट राइट उसका मिनिमम फाइंड कर। अब ये आपको एक मिनिमम नंबर दे देगा, आपने इसके बाद क्या करना है टेम्प का डाटा जो है ना टेम्प का सेट डाटा उसमें आपने भेज देना इस मिनिमम का गेट डाटा। तो देखिये मिनिमम 75 आएगा ना, तो आपने 75 को राइट करवा लिया यार। अब डिलीट का फंक्शन दोबारा कॉल करना है आपने और इसमें डाटा आपने भेजना है 75, वो किसमें पड़ा हुआ है मिन के गेट डाटा के अंदर, और साथ में आपने क्या भेजना है, आपने कहना है टेम्प के राइट सब ट्री में से इसको डिलीट करना है आपने, तो यहाँ पे आपने कह दिया गेट राइट, तो ये आपने दोबारा कॉल भेजी। तो यार अब आपने क्या करना है, असल में ये फंक्शन अभी 70 के लिए तो बिल्कुल ठीक चलेगा, ये 70 को डिलीट कर देगा, करके भी देख लेते हैं। यहां पे हम कहते हैं कि डिलीट करो किसको, 70 को, चलाते हैं इसको फंक्शन को, तो देखिए 70 को उसने डिलीट कर दिया है। अगर मैं कहूंगा ना 50 को डिलीट करो, ये 50 को भी सही डिलीट करेगा, चलाया देखें इसने 50 को भी डिलीट कर दी। लेकिन अगर मैं कहूंगा ना 80, तो देखते हैं 80 को करता है डिलीट सही या नहीं करता या क्या मामला होता है, तो चलाया इसको, तो देखें आप 80 वाला जो मामला था ना उस पे इसने इन ऑर्डर सही प्रिंट किया है, और जो हमारे पास था क्या था, जो हमारे पास है राइट प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, देखो वो प्रिंट नहीं उसने किए, उस पे एरर उसने दे दिया, क्योंकि यार जब 80 डिलीट करना है ना, 80 डिलीट करना है तो देखो 89 यहाँ पे आ जाएगा, और बाद में जब 80 डिलीट करें 89 डिलीट करेंगे तो यार इस टेम्प का राइट नल भी तो करना था ना, वो हमने यहाँ पे नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि यार अगर तो इफ अगर आपके टेम्प का टेम्प के किसको चेक करेंगे आप, ये टेम्प के राइट को चेक का आप करेंगे, अगर टेम्प के गेट राइट जो है वो अभी टेम्प आपका अगर 80 है तो गेट राइट करने से 89 पे आ गया। यार अगर इसका लेफ्ट और राइट दोनों ही नल है, यहां पे देख लेते हैं लेफ्ट इसका गेट लेफ्ट अगर ये भी नल है और एंड अगर इसका इस चीज का गेट राइट वो भी नल है, देखते हैं जरा इसका गेट लेफ्ट भी चेक कर लिया इसका राइट भी चेक कर, आप देखें जरा ये जो आपके सामने ये वाला 80 को डिलीट करना हो तो 80 को डिलीट 89 पे चेक करें, 89 का लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, दोनों ही नल है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। इस केस में आपने डिलीट करना है किसको, टेम्प के राइट को आपने गेट राइट कर देना, टेम्प के गेट राइट को आपने डिलीट कर देना, और टेम्प के जो सेट राइट है ना इसमें आपने क्या पास कर देना बॉस, इसमें आपने नल पास कर देना, और बिल्कुल ठीक है। ये करने के बाद आपने लूप को क्या कर देना, ब्रेक कर देना, जो ऊपर ओवरऑल लूप लगा हुआ ना उसको ब्रेक कर देना आपने। अब यार चला के देखते हैं क्या अब चलता है ये, तो देखें हमने 80 को डिलीट किया था ना तो 80 हो गया डिलीट, अब अगर 30 को डिलीट करना हो तो उसको भी चेक कर लेते हैं, हम कहते हैं यार डिलीट करो किसको 30 को, तो ना 80 प्रिंट होना चाहिए ना ही 30 प्रिंट होना चाहिए, तो देखें ना ही 30 प्रिंट हुआ ना ही 80 प्रिंट हुआ। तो ये था यार डिलीट का कंप्लीट कोड, और अगर आपको क्वेश्चन वगैरह हो
या कोई आपकी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, और आई होप सो कि आपको इन वीडियोस लेक्चर से समझ आ जाती होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।